दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय मनीषा रानी जो है उसका एंटरटेनमेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जी हाँ दोस्तों, वो अपने फैंस को हंसाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ रही और इस दौरान वो कैमरे के सामने बिग बॉस के साथ ही मस्ती करने में लगी हुई है। दरअसल दोस्तों मनीषा रानी जो है वो एल्विस के सामने देखते हुए बिग बॉस को कैमरे पर कहने लगी कि बिग बॉस अब अगर आप हमको ना सीजन 17 में बुलाए ना तो कोई ऐसा वैसा लड़का मत भेजिए जो बाहर से मतलब पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड हो या किसी की बीवी बच्चे वाला हो। हमको चाहिए शुद्ध सिंगल लड़का जो मनीषा रानी की तरह बिल्कुल शुद्ध सिंगल हो, उसका कोई भी आगे पीछे रात वाली दिन वाली घर वाली कोई भी ना हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिग बॉस से खास डिमांड की है मनीषा रानी ने और कहा कि अगले सीजन हमको ऐसा चाहिए कि 5 अगर सिंगल लड़कियाँ आती है ना तो 5 ही सिंगल लड़के चाहिए, बराबर बराबर होना चाहिए ताकि कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो। यहाँ साला जिस पर लाइन मारो उसका कोई ना कोई निकल जाता है। ये सुनकर दोस्तों यहाँ पर एल्विस और पूजा भट्ट जो है वो बुरी तरीके से हंस पड़े। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मनीषा रानी ने बातों ही बातों में इशारा दे दिया है कि वो बिग बॉस सीजन 17 में भी कंटेस्टेंट के तौर पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये फैंस के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। वहीं दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर मनीषा रानी जो है वो एल्विस के साथ में चुन्नी ओढ़कर अपने सिर पर मस्ती करने लगती है और इस दौरान वो पहले तो एल्विस को कहते हैं कि कपड़े निकाल लें। दरअसल वो अपने कपड़े निकालने की बातें कर रही थी रात वाले कपड़ों की, लेकिन एल्विस कुछ और ही समझ गए और एल्विस ने कहा कि क्या कह रही है तू, जिसके बाद मनीषा रानी को हंसी आ जाती है और मनीषा कहती है कि साला हम पहले से ही शो में बर्बाद हो रखे हैं और ऊपर से तुम साला हमारा नाम और ख़राब करने में लगे हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो। और दोस्तों इस दौरान मनीषा रानी की बात सुनकर पूजा भट्ट को भी हंसी आ जाती है। वहीं दोस्तों इसके बाद में मनीषा रानी से पूजा भट्ट कहती है कि एक बार थोड़ा अच्छा सा शॉट दो ना कोई बढ़िया सा चुन्नी ओढ़ के, जिसके बाद दोस्तों मनीषा रानी एल्विस के सामने चुन्नी ओढ़ते हुए जाती है और अपना जो दुपट्टा है वो एल्विस के ऊपर ऐसे लहरा के चली जाती है, जो कि सीन देखने में वाकई काफ़ी मज़ेदार था। कुल मिलाकर इस समय काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक चल रही है। फिलहाल आपको कैसी लग रही है मनीषा की ये मस्ती हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी और एल्विस भाई के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।